हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीता किचन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो को लाइक करें और ये रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले मैंने वीडियो कब अपलोड करी है, आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इस बेल आइकन को टैप करें। थैंक यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया मेथी आलू विथ कॉर्नफ्लोर। आइए चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेथी, एक पाव है सोया, ये थोड़ा सा लिया है केवल, ये फ्लेवर के लिए लिया जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे और मेथी में कड़वापन नहीं लगता। आलू दो उबले हुए लिए हैं मैंने, इसे मैंने काट लिया है। कॉर्नफ्लोर, साबुत धनिया, दो लाल मिर्च लिए, मेथी, जीरा, हींग, गरम मसाला, हल्दी और एक बारीक प्याज काटी हुई है। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है और ये गर्म हो चुका है, इसमें धुआं भी उठने लगा है। अब सबसे पहले हम इसमें हींग डाल देंगे, मेथी दाना और जीरा। अब ये हल्का सा भुन गया है, इसमें हम धनिया भी डाल देंगे, साबुत धनिया लिया है मैंने एक चम्मच, और प्याज भी मिक्स कर देंगे जरा सा ये भुन जाए। अब इसके अंदर प्याज भी डाल देंगे, प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है। इसमें जो साबुत धनिया डाली है वो बहुत टेस्टी लगती है डाल के। प्याज हल्की से गुलाबी हो गई है, अब इसके अंदर साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे, इसे तोड़ लेंगे। इसमें लाल मिर्च मैंने कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, तो साबुत वाली ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसके अंदर ये गुलाबी हो गई है, अब इसमें हम मेथी डाल देंगे। इसको दो से तीन मिनट हम ढक्कन लगा के पका लेंगे। अब दो से तीन मिनट हो चुके हैं, और इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार जितना आप पसंद करते हैं, और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। सोया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें, मेथी के साथ अगर सोया बनाया जाए तो बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बेसन पसंद करें तो बेसन भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। अब इसको दो से तीन मिनट ढक के पका लेंगे, और अब दो तीन मिनट मैंने इसे पका लिया था। अब इसके अंदर मैं उबले हुए आलू डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, आलू उबले हुए हैं और मेथी भी बहुत जल्दी पकती है, इसमें आलू में नमक पहुंच जाएगा। इसे जो है 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे, जिससे इन आलू में भी नमक अच्छे से पहुंच जाए। कॉर्नफ्लोर डाल के इसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है, अगर बेसन आप डालें तो बेसन भी अच्छा लगेगा। और पका लेंगे, इससे नमक भी इन आलू में अच्छे से पहुंच जाए।
अब 5 मिनट हो चुके हैं और ये मेथी आलू हमारे पक के तैयार हैं। आलू भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इसमें भून गए हैं, उसको अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच ही डालिए, जब भी यूज बनाइए या 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी रहता है, चाहे कॉर्नफ्लोर डालें या बेसन डालें। और ये मेथी आलू हमारे बन के तैयार है, अब मैं इसे बाउल में निकाल देती हूँ। अभी सोया मेथी आलू बनके तैयार हो गए हैं और इसमें आप रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो ऊपर से आप थोड़ा सा बटर रख दीजिए खाना चाहे तो। अगर आपको मेरी बनाई हुई डिश पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।